سبحان الله ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسوف ياتي الله بقوم يحبونه ويحبونه امنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आपके दयार मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिरी का शरफ हासिल करते हुए मैं सैयद हयात अहमद आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हजरात, बड़ी इल्मी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ रखती है, जो कि मोहताज तआरुफ नहीं, यानी मेरी मुराद हज़रत अल्लामा सैयद शाह फराज़ हसनी वारसी साहब क़िबला मद्द ज़िल्लतुल आली से है, जो खिताबत की दुनिया में सिक्के राइजुल वक्त चल रहा हो उसके सामने बोलना बड़ा टेढ़ा काम है, फिर भी इनका हुक्म हुआ, मैं हाजिर आ गया, आपकी दुआओं का तालिब हूँ। चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो मैं बारहा ये मिसरे पेश करता हूँ कि लकब खुदा से मोहम्मद को लाजवाब मिला। वाह सुभान अल्लाह। लकब खुदा से मोहम्मद को लाजवाब मिला, बने हबीब तो महबूब का खिताब मिला। क्या बात है, बहुत बने हबीब तो महबूब का खिताब मिला, और सबब ये मिलने का मेराज में हुजूर से था। सबब ये मिलने का मेराज में हुजूर से था, कहे ना कोई के माशूक बा हिजाब मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहे ना कोई के माशूक बा हिजाब मिला। चार मिसरे फिर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो हमारा अकीदा ये है कि सलाम पढ़िए हुसैन पर, वो सलाम पढ़िए हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले। वो सलाम पढ़िए हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है, फिर उधर से देखिए क्या मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, फिर उधर से देखिए क्या मिले, जो दरे हुसैन पे हो मकी वो जरूर पहुंचे अली तलब, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा। हजरात, आइए अर्ज़ो मारूस का सिलसिला दराज हो, उससे कब वो जात जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने असरो मेराज व एराज से सरफराज फरमाया, वो ज़ात जिसको मेराज का दूल्हा बनाया, वो ज़ात जिसको अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, वो ज़ात जिसको ला मका के मकी होने का मकाम अता फरमाया, वो ज़ात जिसकी जुल्फों को वल लैल कहा, वो ज़ात जिसके मुखड़े को वद दोहा कहा,
वो जात जिसके सीने को अलम नशरा कहा, वो जात जिसके जिक्र को वराफाना लता जिक्रक कहा, वो जात जिसे अली का भाई बनाया, वो जात जिसे सैयदा का बाबा बनाया, वो जात जिसे हसनैन का नाना बनाया, उस कायनात तसव्वुफ के रूहे रवा रहमते कुल जहां सयाहे लामका वजहे कुन फिका मुख्तारे दो जहां शहंशाहे कौनैन मालिके दारैन साहिबे काबा कौसैन हादिये सुबुल खत्मे रसुल मौलाए कुल नूरुन अला नूर शाफाए यौमुन नशूर आमना के दिल का सुरूर अनवारे शबे तैजूर आसमाने नबुवत के नैयर आजम मालिके रिकाबे उमम वस्म जिनका नून वल कलम ताऊसे मर्ग जाते इरम सरापा करम ही करम अजले सुबह के महरे मुबी शबिस्ताने अबद के महजबी निगाहे किब्रिया के नाजमी जहूर शान रब्बुल आलमी यानी की रहमत आलमी की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें اللهم صل على سيدنا محمد हजरात, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। लिहाजा मौला का एक कौल है कि अगर ज़बान से निकली हुई बात जो है ना वो कमान से निकले हुए तीर की तरह होती है, तो हमारी हमें किसी को वो नहीं करता, मतलब निशाना नहीं बनाता, बस में तीर निकलते रहते हैं, बचने वाले बच जाते, लेने वाले ले लेते हैं, बच जाइएगा। हजरात, आज मैं अपनी गुफ्तगू के मैंने दो अनवान लिए हैं, एक तो जिक्र अली होगा और दूसरा अली के वारिस का जिक्र होगा। हजरात, आज लोग कहते हैं कि बड़ा माहौल ख़राब है ना, कहते हैं हर तरफ ये परेशानियाँ और ये जुल्म और सितम हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, मोबलिचिंग तमाम तमाम चीज़ें हो रही हैं, वक्त बड़ा ख़राब आ गया है, वहशत नंगे सर घूम रही है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि फिर भी मुझे ये दौर बहुत पसंद है, फिर भी ये दौर मुझे बहुत पसंद है। कम अज कम स्टेज पे चढ़कर माइक थाम कर का जिक्र तो कर रहे हैं, सोचो वो क्या दौर रहा होगा कि जब अली का नाम लिया जाता था तो उसकी गर्दनें कलम कर दी जाती। हम तो कहेंगे बहुत अच्छा दौर है साहब, हम तो कम से कम जिक्र अहले बैत तो कर रहे हैं, अपने दिलों में ठंडक तो पहुंचा रहे हैं। मियां, हमको बड़ा फला फूला हुआ इस्लाम मिला है, आप क्या समझ रहे हैं इस्लाम ऐसे ही आ गया? ये खड़े होकर उन्होंने नारे लगा दिए इस्लाम आ गया, हम यहाँ पे आके खड़े होकर तकरीर कर दिया क्या इस्लाम आ गया? हमारे नाथवा ने नाथ पढ़ दिया इस्लाम आ गया, इतना आसान समझ रखा है। शक मियाँ, आज हम सरकार आलम पना हुजूर हाजी वारिस अली शाह काजमी अज़मल्लाहु ज़िक्रहु का जश्न मना रहे हैं, ये खुशी का मौका है, ये आवाज़ खींच रहा है माइक पतन की, ये खुशी का मौका है कि नहीं है? बिल्कुल मुसर्रत, खुशियों का मौका है, लेकिन खुशी का एहसास तब होता है कि जब हमें गमों का इल्म हो, जब कोई गमों से ना गुजरा हो उसे खुशी क्या होती उसे पता नहीं चलेगी। जिसने बचपन से ही मजे किए हैं तो बड़े बड़ा होके मजा कर रहा है तो उसे क्या पता गम क्या होता है। मियां, इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं आया इस्लाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना घरबार छोड़ना पड़ा है तब आया इस्लाम। बेशक अपने जिस्म अथर पर ताइफ की गलियों में अपने जिस्म को लहू लोहान करवाना पड़ा है तब जाके आया इस्लाम। पेटों पर पत्थर बांध के चंद खजूरों को गुजारा किया है तब जाके आया इस्लाम। अपने जिस्म पर कूड़ा फेंकवाया है तब जाके आया है इस्लाम।
सहाबा किराम ने कुर्बानियां पेश की हैं, तब जाके आया है इस्लाम। हजरत अमीर हमजा का सीना चीर के कलेजा चबाया गया है, तब जाके आया है इस्लाम। इंसान है हजरत कासिम वाली अकबर की चरानी होती है, तब जाके आया है इस्लाम। तब जाके आया है इस्लाम। अरे इमाम हुसैन ने मेज़े पर बदन होकर कुरान की तिलावत की है, तब आया है इस्लाम। अरे चौबीसान रिसालत के तमाम महत्व हुए फिर कर्बला की सरजमीन पर बिखर गए हैं, तब जाके आया है इस्लाम। सुभान, इतना आसान नहीं है। तुमने क्या समझा है अहले बैत की कुर्बानियों को? नबी ने अपना पूरा घराना मिटा दिया है, तब आया इस्लाम। क्या ही अहले बैत? अरे जिसकी बारगाह में, जिस घर में जिब्रील अल्लाह की जानिब से पैगाम और इनाम लेते आए, वो अहले बैत का घर है। सुभान अल्लाह, तुमने अहले बैत को समझा क्या? जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यूं नहीं फरमाया, मैं बात बहुत तवील नहीं करूंगा, यूं ही नहीं फरमाया कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुरबा, ये फरमा दिया रब्बे कायनात ने कि तुम पर अहले बैत की मवद्दत फर्ज है। अहले बैत की मवद्दत फर्ज है। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क इतना है कि मोहब्बत में तुम्हें गुंजाइश है, करो करो न करो, लेकिन जहां लफ्ज मवद्दत दाखिल होता मतलब तुमको अहले बैत से मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि मकबूल बारगाह किबरिया बनना चाहते हो तो सबसे पहले अहले बैत की बारगाह में आओ। अगर तुम मकबूल बारगाह अहले बैत बन जाओगे तो फिर यकीन तुम मकबूल बारगाह किबरिया बन जाओगे। अरे अहले बैत पंजतन पाक की जात का नाम है। अहले बैत में हुजूर अलैहिस्सलाम खुद दाखिल है। तो कहना यह चाहता हूं कि रिसालत अहले बैत के घर की, इमामत व विलायत अहले बैत के घर की, इस्मत व तहारत अहले बैत के घर की, शहादत अहले बैत के घर की, इनसे बचकर कहां जाओगे? अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाओ तो तुम्हें इनके दर पर आना पड़ेगा, इनसे मवद्दत करनी पड़ेगी, तब तुम्हें रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। यही नहीं कहा शाह बेदम शाह वारसी ने, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा। हजरात, मैंने कहा था कि मौला की बारगाह में चलते हैं। मैं चंद शेर शाकबरदाना पूरी आले रहमा के मैं पेश करना चाहता हूँ, हुज़ूर इजाज़त है कि क्या खूबसूरत मिसरा कहा है कि बशर से सना क्या हो हजरत अली, बशर से सना क्या हो हजरत अली की। अगर कोई शख्स मेरे पास आए, चाहे बहुत बड़ा मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुजद्दिद हो, कोई हो, अगर ये कहे कि मैं अली के मकाम की, अली की हकीकत से वाकिफ हूं, तो मैं कहूंगा तुम झूठे हो एक नंबर के। मैं तुम्हारी बात मान लेता, मैं तुम्हारी बात मान लेता अगर हुजूर ने यह ना फरमाया होता कि आए अली खुदा की हकीकत को मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता, अली मेरी हकीकत को तुम्हारे और खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, और आए अली तुम्हारी हकीकत को मेरे और खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। आवाज बहुत ही शरा, बशर से सना क्या हो हजरत अली की।
बशर से सना क्या हो हजरत अली की, खुदा जानता है हकीकत अली की। खुदा जानता है हकीकत अली की, अभी ले उड़े सब जमीने नजफ को, अभी अभी वक्त नहीं लगेगा, अभी ले उड़े सब जमीने नजफ को, मलक पर खुले दर हकीकत अली की। अभी ले उड़े सब जमीने नजफ को, मलक पर खुले दर हकीकत अली की। मियां अली की हकीकत जानना है तो किसी अली वाले से पूछो, वो तुमको बताएगा कि अली की हकीकत क्या है। पूछता चलता हूं एक अली के दीवाने से, एक अली का दीवाना परवाना मस्ताना, नाम था उसका बहलोल दाना। बैठ गया वो शख्स वो दीवाना। अच्छा अजीब बात है, असल में जो दीवाना होता है दरअसल वही दाना होता है। दाना बनने के लिए दीवाना होना शर्त है, जब तक दीवाने नहीं बनोगे दाना ही नहीं आएगी। खैर दजला दरिया के किनारे जो है बैठ गए बहलोल दाना, और एक कटोरा ले लिया। एक कटोरा लेकर उसमें जो है दरिया का पानी भरने लगे। अब भाई कटोरे की जितनी भी साथ होगी पानी उतना तो ही ना आएगा। लोगों ने पूछा, अरे बहलोल क्या करते हो ये पानी, आज पूरा पानी जो है इसके अंदर डाल ही डालना है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी बड़ी दरिया इस छोटे से प्याले में कहां से समाएगी? तो दीवाना कहता है, अरे नादान यही तो बताना चाहता हूं, कितना बड़ा अली तेरे छोटे से भेजे में कहां से समाएगा। खुदा जानता है हकीकत अली की। हजरत मक्ता गौर फरमाएं कि निकाले जुलेखा भी यूसुफ को अपने, निकाले जुलेखा भी यूसुफ को अपने, निकाले जुलेखा भी यूसुफ को अपने, दिखाता है अकबर भी सूरत अली की। क्या बात है, अकबर भी सूरत अली की, दिखाता है अकबर भी सूरत अली की। हजरात ये मौला की बात है, दर हकीकत हम मौला को समझ ही नहीं सकते। एक बात मैं खाली अर्ज करना चाहूंगा कि मैं वो खैबर का एक वाकया बहुत सरसरी तौर से आपको बयान, मैं जो बयान करना चाहता हूं वो क्या चीज है कि जब 39 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हुआ, खैबर जब फतह नहीं हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब लोग आ जाओ, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल का प्यारा है और उसी के हाथों फतह होगी, उसी के हाथों फतह होगी। तो तमाम सहाबा कराम इस इश्तियाक इस मुश्ताक में पड़ गए कि काश वो झंडा मुझे मिल जाए, क्योंकि वो अल्लाह का भी प्यारा रसूल का भी प्यारा उसी के हाथों फतह होगी। बाहर कैद दूसरे दिन हुजूर अलैहिस्सलाम सब जमा होते हैं, सहाबा कराम की जमात जमा होती है। आप फरमाते हैं, ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? उनके आंखों में चोट था, दर्द था, पानी गिर रहा था। खैर हुजूर ने बुलाया, अपना लुआब दहन लगाया, खैर सही हो गए, कहा जाओ अली अटैक, खैबर फतह करना है। तो मौला अली बढ़े झंडा लेकर वो अलम लेकर खैबर की तरफ दहाड़ते हुए भरे आगे बढ़े, और जाते जाते वहां पर एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर उस लकड़ी के अलम को गाड़ दिया। उस लकड़ी के अलम को जैसे ही गाड़ा, उधर खैबर के किले पर ऊपर एक यहूदी खड़ा था, उसने ये अलम जैसे ही देखा कहा, बेटा कटले निपटले मामला खत्म, अब कुछ नहीं होने वाला। कहा क्यों? कहा मैंने पढ़ा है कि इस किले को वही फतह करेगा जो पत्थर में लकड़ी का अलम गाड़ देगा, और वो मैंने देख लिया। कहना ये चाहता हूं कि एक यहूदी तौरात पढ़कर मकाम अली को समझ गया, मगर एक मुसलमान कुरान पढ़कर अली के मकाम को नहीं।
नहीं समझ सका। हजरत, यूं तो मैं अब सरकार आलम पनाह पर आना चाहूंगा, लेकिन उससे कबल मैं एक बात छेड़ दिया इन्होंने तार, तो मुझसे रहा नहीं गया हजरत मुसम्मे तम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत। मैं उसी वाकये को हजरत इजाजत हो तो मैं मुकम्मल करना चाहूंगा। अली का शहदाई मुसम्मे तम्मार, हाय हाय हाय, मौला ने क्या कहा कि मिसम ये जो दरख्त है ना, अभी वो दरख्त छोटा था, अभी बड़ा भी नहीं हुआ था, छोटा दरख्त था। कहा मिसम जब खजूर ये दरख्त जो है ना, जब बड़ा होगा ना, तो तुझे इसी में लटकाया जाएगा और तेरे दोनों हाथ पैर हत्ता कि तेरी जबान भी काट ली जाएगी। कहा मौला ऐसा क्यों? कहा कि तुझे मेरी मोहब्बत में ये सजा मिली, तुझे मेरी दीवानगी में ये शहादत मिलेगी। अगर तू चाहे तो उस वक्त मुझे बुरा भला कह लेना, इजाजत है तुझे। कहा मौला ये बताइए कि ये शहादत, ये जो मामला होगा, मेरे हाथ पैर काटे जाएंगे, जुबान काटी जाएगी, ये कई बार होगा? हाँ एक ही बार होगा। कहा अगर हजार बार भी ये चीजें दोहराई जाए ना, तो मिसम आपकी मोहब्बत से खाली नहीं होगा। उसके बाद आलम ये होगा कि वो मिसम तमार रोज जाके उस दरख्त को पानी दिया करते थे कि ये कब बड़ा होगा और कब मेरे मौला की वो बात सच होगी। बाहर कैफो दिन आता है, हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कोई अली का चाहने वाला? पता चलता है कि हाँ मिसम है अली का दीवाना, बुलाओ उसको। बुलाए गए, कहा अली को बुरा भला कहो। कहा अच्छा अली को बुरा भला, तेरा दिमाग खराब हो गया, लटका दो उसको। लटकाया गया। मिसम तम्मार मुस्कुराने लगे। कहा मुस्कुराता क्यों है? कहा अरे मेरा मौला मुझको पहले ही बता चुका है कि मेरे दोनों हाथ पैर काट दिए जाएंगे, हत्ता के मेरी जबान तक काट दी जाएगी। तो अच्छा ऐसी बात है? कहा ऐसी बात है तो मैं तेरे दोनों हाथ पैर को कटवाऊंगा, लेकिन तेरी जबान ना काट कर मैं तेरे मौला को झूठा साबित कर दूंगा। ठीक है कर ले। मालूम पड़ा मिसम तम्मार के दोनों हाथ पैर काट दिए जाते हैं। जैसे ही काटे जाते हैं, उसके बाद मिसम तम्मार मौला अली के कसीदे पढ़ने लगते हैं, उनके मनाकिब बयान करने लगते हैं। कुफे वाले सुनते जाओ, आखिरी लम्हे में मैं तुम्हें मनाकिब मौलाए कायनात सुनाता हूँ। मौला अली के मनाकिब उनके फजाइल बयान करने लगते हैं, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हज्जाज बिन यूसुफ अपने खादिम से कहता है, ये भीड़ क्यों लग रही है, ये भीड़ क्यों मिसम तम्मार के पास लग रही है? तो कहा पता है वो मिसम जो है फजाइल मौलाए कायनात बयान कर रहा है। कहा जल्दी जा, मिसम की जबान काट दे। जैसे ही वो जबान काटने आता है, मिसम तम्मार मुस्कुराते हैं, कहते हैं जाके अपने आका से कह देना कि झूठा वो है, मेरा मौला झूठा न था, न है, न होगा। ये है मोहब्बत। हजरत, आज हकीकत में बात कहूं कि आप लोगों ने जो सिलसिले वारसियत से, यूं तो तमाम सलासिल के लोग का मकाम व मर्तबा बुलंद, आप सिलसिले वारसियत में दाखिल हैं, इतना ज़रूर मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक दिलवाले को दिल दिया है, और यकीनन दिल उसी को देना चाहिए जो दिलवाला। बेशक मियां, सरकार आलम पनाह का सिर्फ एक कौल, अगर उस पर इस्तेकामत कायम की जाए सारा बेरा पार। आप बारहा फरमाते रहे, क्या फरमाते रहे, एक एक बच्चा जानता है कि मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, क्या मोहब्बत करो। मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि अगर इश्क हकीकी आपके अंदर पैदा हो गया तो कोई भी चीज, कोई भी शय हो, आपको भटका नहीं सकती।
तभी सरकार आलम पना ने फरमाया कि मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत कायम हो गई, मोहब्बत हो गई तो तमाम फसाद से बच जाओगे। तमाम एक बात कहूं, इश्क किसी की दलीलों का मोहताज नहीं है। यकीन, इश्क दलीलों का मोहताज नहीं होता है। अरे जिस पर इश्क की छाप चढ़ जाती है, लाख धोते रहो वो कभी धुलती नहीं है। लाख अरब के मुतवा ने चाहा कि सरकार आलम पना के राम का रंग बदल दे, लेकिन बदल न सके। क्यों? क्योंकि वो इश्क की छाप थी। तभी कहते हैं ना, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। जहां इश्क पैदा हो गया, देखिए एक हकीकत क्या है कि मोहब्बत के अलग अलग मेयार होते हैं, अलग अलग पैमाने होते हैं। कोई शैतान से मोहब्बत करता है, शैतानी हरकतों में मुलव्विस होता है। कोई रहमान से मोहब्बत करता है, उसके बताए हुए तरीक पर चलता है। वो जो शैतान से मोहब्बत करता है ना, वो तौफीक इलाही हो जाए, अल्लाह की जानिब से उसे हिदायत मिल जाए, या कोई पीर कामिल अपने पैमाने से उसको कुछ जाम पिला दे तो उसकी दीन और दुनिया बदल जाए। वरना आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके खिलाफ सुनना पसंद नहीं करता है। इस दलीलों से परे आप किसी को भी बुलाकर आप दलीलें देते रह जाइए, खूब दलीलें दीजिए, वो मुतमईन भी हो जाएगा ना कि हाँ दलील तो सही दे रहे हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत करता है ना उसको नहीं छोड़ेगा। ये मोहब्बत की हकीकत है। अरे तभी तो जब मेराज के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये वाकया मस्जिद नबवी में बताया तो एक शख्स, एक मुनाफिक उठा, पहुंचा किसके पास? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा। कहा, ए अबू बकर, वो अबू बकर जो अभी सिद्दीक भी नहीं हुए, उनसे कहा, ए अबू बकर, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई एक शख्स तुमसे कहे कि मैं गया रातों रात मस्जिद अक्सा तक, वहां से सातों आसमान की सैर करता हुआ काबा कौसैन के मकाम से अल्लाह का दीदार किया और वहां से लौटा, बिस्तर गर्म था, गर्म रहा, कुंडी हिल रही थी तो हिलती रही, क्या तुम यकीन कर लोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। सैयदना सिद्दीक अकबर ने मना कर दिया, कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मामला ये था ना कि अभी उस आशिक से उसके माशूक की बात नहीं की गई, अभी उस आशिक को यह नहीं बताया कि तुम्हारा माशूक ये बता रहा है। कहा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, जा जाके देखो मोहम्मद ने मस्जिद नबवी में बैठकर यही तो फरमाया। कहा, सुन रुक, क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है? अरे अगर उन्होंने फरमाया है तो यकीनन वो गए होंगे। जहां इश्क होता है फिर वहां दलीलों की मोहताजी नहीं होती। आज हम सरकारे आलम पनाह का जिक्र कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके जिक्र करने से उनका जिक्र बुलंद हो जाएगा या आपके जिक्र न करने से उनका जिक्र कम हो जाएगा? अरे जिसके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया हो, हमारी और आपकी क्या बिसात है कि उसके जिक्र को हम बढ़ाएं या कम करें? कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह का एक नेक बंदा जो देवा नगरिया में रहता था, उसने तमाम उम्र अल्लाह की इबादत की, खिदमत खल्क किया, अजमत रसूल का परचम लहराया। फज़कुरूनी पर अमल करके दिखा दिया। फज़कुरूनी क्या है? सेगए अम्र है, हुक्म है, ऑर्डर है। अल्लाह गिव्स द ऑर्डर टू ऑल ऑफ अस दैट उसकी इबादत करो। उसके सिले में अज़कुरकुम, इनाम अवार्ड, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम्हारा चर्चा करूंगा।
अब सरकार आलम पना ने फज कुरूनी पर अमल करके दिखा दिया, तमाम उम्र अल्लाह का जिक्र करके दिखा दिया। फज कुरूनी का मामला है, फज कुरूनी का जाकिर कौन? मखलूक। तवज्जो चाहूंगा, फज कुरूनी का जाकिर मखलूक, उसकी जिंदगी महदूद। बंदा जिक्र करेगा तो अपनी उम्र तक जिक्र करेगा, जितनी भी उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता फरमाई है। अब अज़कुरकुम की बारी आई है, अज़कुरकुम का जाकिर रब, वो खालिक जिसकी कोई हद नहीं है। बंदे ने जिक्र किया, अपनी उम्र तक जिक्र किया, अब रब उसको इनाम दे रहा है, अवार्ड दे रहा है। अब जब अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है तो कयामत तक जिक्र करता रहेगा। अब महाज अल्लाह कोई खुदा से बढ़कर आ जाए तो रोक ले बारिश का जिक्र। ये जिक्र तो रब ने बुलंद किया है, बल्कि कयामत के दिन भी उनको उनके नाम से बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई गैर से निदा तो नहीं आएगी, आती है सुनने वालों के कान होने चाहिए, सुनने वालों के काम होने चाहिए, निदा आती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वसौफ यातिल्लाहि बिकौमि युहिब्बूनहु व युहिब्बूनहु, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसों को लाएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा और वो लोग उससे मोहब्बत करते होंगे। तवज्जो चाहूंगा कि रब ने फरमाया कि वो लोग कि वो उनसे मोहब्बत करता होगा, वो लोग उससे मोहब्बत करते होंगे। पता क्या चला कि बंदा तो बाद में मोहब्बत करता है, बंदे से पहले खुदा खुद बंदे से मोहब्बत करता है। वो कहता है कि जो देवा नगरिया में जो रहता है ना, जो देवा का बसैया है, वारिस, ए जिब्रील इधर आओ, मुझे वारिस से मोहब्बत है, तुम भी मोहब्बत करो। मालूम क्या पड़ा कि जिब्रील भी मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर कहता है कि तमाम समा वालों में ये ऐलान कर दो कि अल्लाह को अपने वारिस से मोहब्बत है। अहले समा वालों में ये ऐलान हो जाता है कि रब्बे कायनात को अपने उस फला बंदे से मोहब्बत है, अपने वारिस से मोहब्बत है। अब जमीन वाले क्यों महरूम रहे? अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है जिब्रील को कि जाओ और दुनिया में मेरे लोगों के, मेरे बंदों के दिलों में भी वलियों की मोहब्बत को पैदा फरमा दो। पता क्या चला कि हर के हिस्से में वली की मोहब्बत नहीं आती है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबीन का इंतखाब फरमाता है, ठीक उसी तरीके से उनसे मोहब्बत करने वालों का भी इंतखाब फरमाता है। हर किसी के हिस्से में ये दौलत नहीं आती है। अब जिक्र करता कैसे है? खुद तो अर्श पर करवाता है, बंदों के फरिश्तों के जरिए कहलवाता है और हम बंदों के जरिए इस जमीन पर कहलवाता है। तभी तो आज उसकी मखलूक गौसे आजम कहती रहती है, तभी तो आज उसकी मखलूक बाबा बाबा कहती रहती है, तभी तो आज उसकी मखलूक ख्वाजा अजमेर कहती रहती है, तभी तो आज उसकी मखलूक महबूब इलाही कहती रहती है, तभी तो आज उसकी मखलूक सरकार आलम पनाह कहती रहती है। ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, जब कोई बंदा वारिस का नारा लगाए तो दिल तंग न किया करो, बुरा न माना करो। मैं अला वजिल मसीरत, अला वजिल तयक्कुन, अला वजिल तहकीक कह रहा हूं कि जब कोई बंदा किसी वली का नारा लगाता है तो बंदा नहीं लगाता बल्कि खुदा लगवाता है। उसने वादा जो फरमाया, अरे वारिस तूने जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह किया है, अब कयामत तक मैं वारिस वारिस कहलवाता रहूंगा। ये अल्लाह का इनाम है। हजरात, एक बात मैं और बस आखिर में खत्म कर लूं कि ये निस्बतें क्या है। मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस को, क्योंकि वलियों की मुनासिबत से है तो सरकार आलम पना की मुनासिबत से है, मैं उसको कुछ अंतिम अंदाज में आपसे बयान करता हूँ।
कि ये वो अल्लाह के वली है, ये वो अल्लाह का वारिस है कि जिसे न जन्नत की ख्वाहिश है न उसे जहन्नम का कोई खौफ है। ये तो रज़ाए इलाही में जिया जा रहा है, ये तो वो मंजिलें हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब बरोज़ हश्र होगा भाई ये तो उसकी फेरिस्त में है, जन्नत में जाए, ये जन्नत में जाए तो सरकार आलम पर ना रुक जाएंगे। काम मैं नहीं जाता, क्यों क्यों नहीं जाते? ऐ रब्बे कायनात, ऐ जो जलाले वल इकराम, वो जो जहन्नम की आग में जल रहे हैं, जो तुमने जहन्नम जिनको झोंका है या तो वो जा रहे हैं ना, ये मेरे मुरीदीन हैं, ये मेरे मुतवस्सिलीन हैं, ये मेरे मुहब्बीन हैं, ये मेरी महफिल में आके बैठा करते थे, ये मेरे साथ माँ हजर तनाउल किया करते थे, ये तेरी बातें सुना करते थे, ये तेरे हबीब का जिक्र सुना करते थे, ये मेरे साथ खड़े होकर तेरे हबीब पर सलाम पढ़ा करते थे। ऐ मौला, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने चाहने वालों को छोड़कर अकेला जन्नत में चला जाऊँ। फरमाएगा कि आप अपने चाहने वालों को पहचानते हैं? कहाँ पहचानता हूँ, पता क्या चला? जो दुनिया में पहचानता है वो आखरत में भी पहचानता है। जो यहाँ दामन हमारा, यहाँ हमारी लाज बचाए रखा है, बिल यकीन वो वहाँ भी हमारी लाज बचाए। अब मालूम पड़ा, मैं पहचानते हैं? हाँ पहचानते। कहा जाइए खुद से अपना हाथ पकड़ कर उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाइए। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह वहाँ ये भी तो हुक्म दे सकता था कि फरिश्तों जो इनके जानने वाले हैं उनको निकाल के डाल दो, उनको जन्नत में डाल दो। नहीं, कहीं उनको ये खशका ना पैदा हो जाए, कहीं हमारी सजा तो नहीं मुकम्मल हो गई, क्या रब पर हम पर रहम तो नहीं आ गया, कुछ अच्छा मामला तो नहीं बन गया? नहीं, बल्कि उनको ये यकीन कामिल हो जाए कि जो मोहब्बत, जो अकीदत, जो निस्बत, जो अकीदत मुझे दुनिया में